हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकंड लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। सो टुडे वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए होती क्या है, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। सो केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती हैं, जब किसी भी एक एलिमेंट्स के अंदर कोई इस तरह का चेंज होता है, इस टाइप का चेंज होता है जिसके कारण नया टाइप न्यू टाइप्स का प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, पुराने प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं रहती है। एग्जाम्पल्स के लिए हम क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, वाटर को मिलाते हैं, चीनी को मिलाते हैं, चाय पत्ती को मिलाते हैं, एंड थोड़ा सा उसमें क्या डाल लेते हैं, वाटर, उसको हीट अप कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कई सारी चीज़ें हम लोग मिलाते हैं, और जब उसको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, चाय बनती है। अब मैं पूछूं अगर आपसे कि ये फिजिकल चेंज था या केमिकल चेंज था, या कौन सी प्रॉपर्टी इसमें चेंज हुई, तो आप बताएंगे कि मिल्क हमने मिलाया, अब जो बनी चाय ना उसमें मिल्क की प्रॉपर्टी है, आपने चीनी मिलाई, अब जो आपने प्रोडक्ट मिला है ना उसमें किसकी प्रॉपर्टी है, मिल्क चीनी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है, इसलिए न्यू टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ है, इसलिए उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी इससे आपको ये समझ आया होगा, नई टाइप्स का प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है हमेशा, क्योंकि उसमें केमिकल्स प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी मतलब हम लोग रिएक्शन करके देखेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बता दिया हमने, वो बता दिया कि ये कलर ब्लैक है तो ब्लैक दिख गया ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं बता सकते केमिकल प्रॉपर्टी को, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट मीन्स एक्सपेरिमेंट नहीं कि हम लोग यहाँ वैसे लेबोरेटरी में वो करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस बना के दिखाएंगे कैसे कैसे इक्वेशंस बनती है ना, जिनको हम लोगों ने फील किया है, जिनको लेबोरेटरी में किया गया होगा पहले, अब हम तो नहीं कर रहे हैं, साइंटिस्टों ने किया होगा, बट रिएक्शंस के आधार पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, पहली प्रॉपर्टी हम लोग वैलेंसी से ले लेते हैं इनकी, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जान चुके होंगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा था वैलेंसी क्या होती है। बेसिकली वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको कोई भी मेटल्स या तो डोनेट कर सकता है या कोई भी नॉन मेटल्स उनको गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है टू फॉर्म्ड ए कंपाउंड। कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ते हैं, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता हो या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हो उस एलिमेंट की, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, वैलेंसी बोलते हैं। अब दूसरी तरह से हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी मेटल्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मेटल्स नहीं सॉरी, कोई भी एलिमेंट अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के जितने लार्ज अमाउंट, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने हो या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हो या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने हो, तीनों में से कोई सा भी, उन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, वैलेंसी को माइनस भी लिखते हैं, प्लस भी लिखते हैं। माइनस उनको लिखते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कौन, नॉन मेटल। प्लस उनको लिखते हैं जो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, कौन होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द वैलेंसी ऑफ मेटल्स आर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। ठीक है, तो मेटल्स की वैलेंसी कितनी होती है, मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो होती है हमारी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। ठीक है, ये वैलेंसी होती है प्लस वन वैलेंसी, इसका ये मतलब है कि वो मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, प्लस टू वैलेंसी, इसका ये मतलब है कि वो मेटल्स जो है दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। प्लस थ्री का भी सेम मतलब है कि तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए प्लस लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा हम नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो उनकी वैलेंसी हमेशा माइनस में होती है, नॉन
मेटल्स, इनकी वैलेंसी होती है -1, -2 एंड -3। ठीक है, माइनस वैलेंसी इसका ये मतलब होता है कि वो नॉन मेटल जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, -2 वैलेंसी इसका ये मतलब होता है कि वो नॉन मेटल दो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। -3 वैलेंसी सेम कि तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इनको बोलते हैं वैलेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ग्रुप में क्या चेंज होता है, पीरियोडिक मतलब पीरियड्स में क्या चेंज होता है, ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो ये समझिए। अब 4 की बात करते हैं कि 4 भी क्या किसी की वैलेंसी होती है। तो आंसर 4 भी किसी की वैलेंसी होती है, लेकिन प्लस कहें या माइनस कहें वी कैन नॉट से अबाउट दैट। जिसकी वैलेंसी 4 होती है, जो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बनाने के लिए शेयर कर सकता है, तो उसकी प्लस लिखे कि माइनस लिखे ये हम कंफर्म नहीं बता सकते। कोई भी साइंटिस्ट नहीं बताया अभी इसकी प्लस लिखे कि माइनस लिखे। हाँ, ये कंफर्म है कि वो नॉन मेटल्स होता है, कार्बन एक नॉन मेटल्स होता है जिसकी वैलेंसी 4 होती है, बट वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना वो डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर करता है। तभी तो डेफिनेशन में मैंने आपको शेयरिंग कहा था कि शेयरिंग भी कर सकता है, तब भी वो क्या कहेंगे, उसको वैलेंसी कहेंगे, जितनी अमाउंट ऑफ शेयर कर सकता है। तो कितने नंबर शेयर कर सकता है कार्बन, 4 शेयर कर सकता है। तो उसको प्लस का है माइनस का है हमें पता नहीं, ये 4 सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, कार्बन की होती है। और भी कई की होती है, सिलिकॉन की भी होती है, लेकिन शेयर कर सिर्फ शेयर करने वाला यही होता है कार्बन, सिलिकॉन भी होता है उस ग्रुप में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए नॉन मेटल कौन है ऐसा जो सिर्फ शेयर करता हो, तो वो कार्बन है। ठीक है, दिस इज अबाउट, समझ आया तक। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में, नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। उससे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ लेते हैं, उससे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑक्साइड तभी तो चलेगा, बता ऑक्साइड बना कहाँ से है। ठीक है, मेटल्स विद ऑक्सीजन, मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं अक्सर। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करती है तो क्या होता है, तो एक कॉमन फॉर्मूला में लिख रहा हूं आपको, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, तब हमारा कंपाउंड जो फॉर्म्ड होता है वो फॉर्म्ड होता है मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, इसको मेटल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। ये फॉलो कौन करता है, इस रूल को नॉन मेटल्स भी फॉलो करते हैं, बट सभी नहीं करते, इस रूल को नॉन मेटल्स भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे सोडियम एक मेटल्स है, इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो सोडियम, क्या फॉर्म होता है, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। इसको बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंस कर लेंगे, ये 2 ऑक्सीजन है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, चार से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4Na यहाँ पे 2Na है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बैलेंसिंग आपको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है, नहीं आया तो दोबारा एक बार बता दूंगा आपको, बट रिएक्शन आनी चाहिए आपको नॉर्मली। ठीक है, बैलेंसिंग तो आप कंपाउंड लिखने के बाद भी कर लेंगे, जैसे हमने पहले रिएक्शन देखी, Na+O2 = Na2 बन गया। ठीक है, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे Cu होता है, जैसे CO की बात करते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन = CaO। ठीक है, जैसे Zn होता है जिंक, तो कितना होता है Zn O। ठीक है, ये रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल इसके पता होने चाहिए, सिंपल है। अब कई लोग सोचते हैं कि O2 नीचे क्यों नहीं है, लिख सकते हैं फिर इसका CA2 का CA2 का CaN2 लिखना पड़ेगा,
दैट्स नॉट गुड कंपाउंड. जब चीज़ कॉमन आती है उसको कॉमन बाहर ले लेते हैं. एग्जाम्पल्स के लिए ये भी दो है, दो ओ हैं, और ये कितने अन्य कितने हैं, चार हैं, तो हमने दो इससे ले लिया, दो इससे ले लिया, बाहर कॉमन रख दिया. मैथमेटिक्स अप्लाइड होता है इसमें भी, ऐसा नहीं मैथमेटिक्स नहीं होता, मैथमेटिक्स अप्लाइड होता है इसमें भी. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. और दो चार एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. कोई भी मेटल्स अगर आप बात करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, मेटलिक ऑक्साइड बनाती है. अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सभी मेटल्स ऑक्साइड बना लेते हैं, तो कुछ नहीं बनाते हैं. कौन कौन नहीं बनाते हैं, उन मेटल्स को हम बोलते हैं नोबल मेटल्स. क्या बोलते हैं उनको, नोबल मेटल्स. द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज नोन एज नोबल मेटल्स. कौन कौन होते हैं वो, जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता कभी. जैसे सिल्वर होता है, बहुत कम रिएक्ट करता है, ना के बराबर करता ही नहीं ऑलमोस्ट. जैसे प्लेटिनम होता है, कभी रिएक्शन नहीं करता है. तो इन मेटल्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये नोबल मेटल्स हैं. नोबल मेटल्स बेसिकली बनाई उसके लिए सज्जन मेटल, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, नोबल जिसको बोलते हैं. जैसे नोबल गैसेस होती है ना, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, ऐसे ही नोबल मेटल्स भी होते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते. सभी, ऐसा नहीं कि सभी रिएक्टर हैं, जरूरी नहीं है. समझ आया था, ठीक है. और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम का ले सकते हैं एग्जाम्पल. पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम का एग्जाम्पल 4K प्लस O2 इज इक्वल टू K2. अब ये सेम टाइप का दिखाया जा रहा है, ये वाला और ये वाला, सॉरी, क्योंकि ये सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, आपको बता चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में, बाकी और बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना. फर्स्ट ग्रुप का जो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है वो R2O होता है, पता है ना, दोनों फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है. और कैल्शियम की बात कर ली हम लोगों ने, कुछ मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, बता दिया है, ठीक है, समझ आया. तो और एग्जांपल ले सकते हैं आप, कोई भी, जैसे Mg का एग्जांपल ले सकते हैं. Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO, ठीक है, ले सकते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप ले सकते हैं. और जैसे सबसे ज़्यादा कॉमनली आप देखते हैं ना ऑक्साइड, अगर किसका देखते हैं सबसे ज़्यादा आपके लिए डेंजरस होता है, जिसको आपकी जिसकी आपको चिंता होती है, वो एल्यूमिनियम का किसका, आयरन का ऑक्साइड होता है, आयरन का ऑक्साइड, जिसको हम कोरोजन भी बोलते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजर होता है. तो उसका भी देख लेते हैं, यहाँ लिख दूँ, जैसे Fe प्लस O2 फॉर्मूला होता है इसका Fe2O3. बैलेंसिंग करेंगे तो 2, 3 नहीं हुई, अब होगी, ठीक है, Fe2O3 ये हो सकता है बैलेंसिंग होगी ना, 3 × 6 2 × 6 और 2 × 4 4, ठीक है. फिर ऐसे कर सकते हैं बैलेंसिंग करना चाहें तो, ठीक है. तो दिस इज द ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन जिसको बोलते हैं, जो लोहा होता है नॉर्मली, जब सब लोग सब जानते हैं, जर लग जाता है, उस पर कोरोजन लग जाता है. तो कोरोजन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे, तो कोरोजन यही होता है, वो कोरोजन होता है, आयरन ऑक्साइड होता है. सेम एल्यूमिनियम का भी फॉर्मूला यही होता है, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला भी सेम यही होता है, Al2O3 हो जाता है, Al2 रीजन, क्योंकि वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं. पीरियोडिक टेबल में आपने इनके सबके फॉर्मूले पढ़े हैं, ऑक्साइड के फॉर्मूले, क्योंकि उनको मेंडलिफ्स ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, R2O3 होता है इस ग्रुप का बिलोंग, इस ग्रुप का फॉर्मूला जो होता है ऑक्साइड का, ठीक है. तो दिस वाज द ऑल अबाउट रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनका भी फॉर्मूला यही होता है, नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, तो मिलता है उन्हें भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड. अगर एग्जांपल देखें, सभी नहीं करते हैं, सभी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ऑल नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन,
बट जो करते हैं वो ही इस फॉर्मूले को वैलिड मतलब फॉर्मूले को क्या करते हैं फॉलो करते हैं। इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कार्बन होता है C+O2 इजिकल टू CO2। सी क्या होता है? कार्बन नॉन मेटल्स होता है। कार्बन इज ए नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ इससे रिएक्शन किया CO2 बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। जैसे सल्फर, सल्फर की बात करते हैं, सल्फर प्लस O2 इजिकल टू सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे नाइट्रोजन होता है N+O2 इजिकल टू, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं। वैसे नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन N2O भी बनाता है, नाइट्रोजन NO भी बनाता है, नाइट्रोजन N2O3 भी बनाता है, बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रोजन। बट हम लोग उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि नॉन मेटल्स भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर है तक? तो मेटल्स, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्ड मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्ड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। एग्जांपल्स आपको बता दिए, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, अब नेचर की बात करते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हम नेचर की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। रफ कर दूं ऊपर वाला है। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें, नेचर के लिए आपको याद होगा मेटल एसिड बेसिस सॉल्ट में आप लोगों ने पढ़ा है एसिड बेसिस के बारे में। नेचर का मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। तो आपने वहाँ पर कुछ रिएक्शंस की थी, आपने एक रिएक्शन वहाँ पर की थी कि मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन कर रही थी, सॉरी एसिड के साथ रिएक्शन कर रही थी, तो हमें मिल रहा था सॉल्ट प्लस वाटर। जब आप मेटालिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा था। और सॉल्ट प्लस वाटर कब मिलता है? जब रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन कौन सी होती है? हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस के बीच में होती है? एसिड और बेस के बीच में होती है। यहाँ तो एसिड तो है, बेस तो है ही नहीं। तब हमने सीखा कि मेटालिक ऑक्साइड किसका किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मेटालिक बिहेवियर एज ए बेसिक बिहेव करता है। कैसा होता है नेचर इसका? बेसिक बिहेवियर होता है। ठीक है, इसी के साथ हमने एक रिएक्शन और देखी थी वहां पर कि अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर हो प्लस बेस हमें मिल जाए, तब भी क्या मिल रहा था हमें? सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन सॉल्ट प्लस वाटर कब मिलता है? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस के बीच में होती है? एसिड एंड बेस के बीच में। हमने देखा यहाँ बेस तो है, एसिड तो है ही नहीं। हमने फिर से चेक किया, क्या ये बेस की तरह बिहेव, सॉरी ये कहीं एसिड की तरह बिहेव तो नहीं कर रहा है? तो हमने चेक किया कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कई जगह पर पढ़ते हैं, पूरी केमिस्ट्री में कई जगह पर हम इसको चेक करते हैं, कई जगह फाइंड करते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो मेटालिक बिहेवियर कैसा, मेटालिक ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा होता है? बेसिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक। याद रखना, मेटल्स इज नॉट बेसिक, मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक। ऐसे ही नॉन मेटल्स इज नॉट एसिडिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक। क्लियर है यहाँ तक? नॉन मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है, या हाँ वाटर से रिएक्ट करता है, तो
स्काई में जाके जब वाटर इसके साथ रिएक्शन करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ तो एसिड बनाता है, ये हम पढ़ेंगे आगे, एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है बता दूंगा दोबारा मैं। तो ये क्या बनाता है, एसिडिक रेंज जब होती है तो यही होता है जो एसिड बनाने का जो फैक्टर होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ से गैसियस फॉर्म में CO2 जाती है, NO2 जाती है, SO2 जाती है, गैस ही तो होती है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ही तो है, यही वाटर के साथ रिएक्शन करके ऊपर क्या बनाती हैं, एसिड बनाती हैं, जो एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आती हैं। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी हो गई, एसिडिक ऑक्साइड, एसिड वाले कौन से होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और बेसिक वाले कौन से होते हैं मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, रफ कर दूँ ये। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद एसिड, ठीक है, रिएक्शन विद एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है रिएक्शन मेटल प्लस एसिड। तो फॉर्मूला होता है हमारा सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट बोल सकते हैं इसको, क्यों मेटालिक सॉल्ट ही होता है, मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद ZnO, जिंक मतलब, तो कोई मेटल किसी अगर एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हमेशा कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस रिलीज व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एनी एसिड, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एनी एसिड इट फॉर्म्ड मेटालिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है यहाँ तक, इट फॉर्म्ड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे Na की बात ले लेते हैं, Na को तो बहुत कम करते हैं, Zn लेते हैं, Zn प्लस HCl इज इक्वल टू H2 Zn Cl। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं Ca प्लस H2SO4 ले लें, CaSO4 प्लस H2। ठीक है, समझ आया तक, और भी ले सकते हैं कुछ एग्जांपल्स, HNO3 ले सकते हैं, जैसे कि अच्छा HNO3 जो होता है, सुनिए अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो Mg प्लस HNO3 रिएक्शन लेते हैं, HNO3, तो क्या बनना चाहिए, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, ऐसा होना चाहिए, लेकिन HNO3 के केस में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर कि HNO3 क्यों ऐसा नहीं करता है, H2 ऐसे निकलनी चाहिए, लेकिन HNO3 के केस में क्या होता है, ये रिएक्शन यहाँ तक नहीं होती, आगे भी होती है, क्योंकि ये रिएक्शन स्टेबल नहीं होती है, दिस रिएक्शन इज अनस्टेबल रीजन, क्योंकि HNO3 जो होता है वो बहुत अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये तुरंत से अपने पास से ऑक्सीजन को हटाता है और क्या बना लेता है, यहां वाटर फॉर्म कर लेता है, ऐसा होता है। रिएक्शन तो सिलेबस में नहीं है, रिएक्शन बहुत सारी होती हैं, बट रियल में होता यह है कि जब भी HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, जब भी नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो याद रखना वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इट डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन रिड्यूस द हाइड्रोजन एंड फॉर्म्ड वाटर, जो हाइड्रोजन को ना निकाल के किसी का किसको निकालती है, वाटर को आउट करती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं होती है HNO3 में, क्योंकि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, समझ आया,
अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्यों रिएक्ट नहीं करते, क्यों उनकी रिएक्शन नहीं कराते, वो रिएक्शन दिखाते, कर सकता हूँ, होती है फर्स्ट ग्रुप में रिएक्शन भी, इसको नीचे वाले को रफ कर दूँ, रिएक्शन अनस्टेबल होती है क्योंकि HNO3 जो होता है वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। जैसे Na होता है प्लस HCl, क्या बनेगा NaCl प्लस H2। आपको पता है एसिड बहुत डेंजर होता है, और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट, चाहे वो सोडियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, अभी मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दिखाई थी ना, वो वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं डेंजर वाली, वाटर के साथ ब्लास्ट कर लेते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं गिरते ही। और यहाँ तो एसिड क्या है, और भी खतरनाक है, मतलब खतरनाक खतरनाक, क्या बनेगा डेंजर डेंजर, क्या बनेगा डबल डेंजर, तो क्या रिएक्शन बनाने करनी पॉसिबल है, करते नहीं नॉर्मली, होगी तो रूल्स तो फॉलो करेगा, बट ये ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट बहुत अच्छे वाला ब्लास्ट, किसी भी गांव को उड़ा सकता है, ठीक है, समझ आए। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए रिएक्शन हम लोग नॉर्मली करते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एसिड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और सोडियम या फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अब क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, अच्छे वाला ब्लास्ट होगा, ठीक है। वैसे रिएक्शन फॉलो सब करते हैं, मेटल एसिडिक मेटलिक सॉल्ट एक्सेप्ट HNO3 नहीं करता है, HNO3 भी किसी एक मेटल के साथ फॉर्म कर सकता है, याद रखना, एक और चीज़ बताता हूँ, याद है मेरे को, HNO3 हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है सब एसिड की तरह, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट एक मेटल ऐसी है जिसके साथ कुछ परसेंट गैस निकाल सकता है, उस एलिमेंट का नाम होता है मैग्नीज, क्योंकि वो NCERT में लिखा हुआ है इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई पूछ सकता है व्हाट द नेम ऑफ दैट मेटल विच कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस विद रिएक्शन नाइट्रिक एसिड, उस मेटल का नाम बताइए जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है, तो उस मेटल का नाम क्या है, मैग्नीज, क्या नाम है उस मेटल का, मैग्नीज, MAGNESC, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MN, मैग्नीज होता है, समझ आया तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और बात करते हैं, सभी मेटल्स ऑलमोस्ट कर लेते हैं, जैसे हम Fe की बात करते हैं, आयरन की Fe प्लस H2SO4, क्या बनेगा FeSO4 प्लस H2, या Fe प्लस HCl इज इक्वल टू Fe प्लस सॉरी FeCl2 प्लस H2, ठीक है, ये होता है। और वो सभी रिएक्शन आपकी बुक में बहुत सारे रिएक्शन दे रखे होंगे, ठीक है, देख लेना, और दो चार आपको पढ़नी हो तो, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट रिएक्शन विद एसिड, याद रहे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एंड मेटलिक सॉल्ट रिलीज होता है, सिवाय नाइट्रिक एसिड के, नाइट्रिक एसिड में ऐसा नहीं होता है, नाइट्रिक एसिड नहीं फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, रफ कर दूँ ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कितनी होगी, 4-5 प्रॉपर्टी होगी ना, नेक्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में हम तीन लेवल पढ़ते हैं, क्योंकि वाटर तीन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में, और तीनों ही फॉर्म में, वाटर तीन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस, आइस और वाटर और वेपर होती है, और तीनों ही फॉर्म में कोई ना कोई मेटल्स जो होती है वो रिएक्ट कर लेती है,
और कुछ ऐसी भी होती हैं जो किसी एक में करती है, कुछ ऐसी भी होती हैं जो तीनों में कर लेती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो किसी में भी नहीं करती। ठीक है, तो कौन कौन सी मेटल्स होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। तो फॉर्मूला बनता है जनरली मेटल्स प्लस वाटर, ये जनरल फॉर्मूला है इसका, मेटल्स विद वाटर इज इक्वल टू बनेगा मेटालिक ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है मेटालिक ऑक्साइड प्लस H2। एग्जांपल ले लेते हैं हम एक सिंपल सा, जैसे पोटेशियम प्लस H2O इज इक्वल टू क्या बनेगा, K2O प्लस H2, K2O प्लस H2, ये फॉर्मूला बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन गर्म पानी हॉट वाटर से करता है रिएक्शन, कौन चिल्ड वाटर से करता है मतलब आइस से करता है, कौन स्टीम से करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स होते हैं वो सभी चिल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं। रीजन, बिकॉज दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, बिकॉज दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, HAli, क्या लिख दिया Li, Na, K, Rb, CS, Fr। हमें सिर्फ इन दो मतलब, दो से ज़्यादा मतलब होता है Na एंड K से, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, सेकंड ग्रुप में एक एलिमेंट और भी होता है, सेकंड ग्रुप में C होता है। ये एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत चिल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर सकते हैं। दीज एलिमेंट कैन रिएक्ट विद चिल्ड वाटर, फॉर्म क्या करेंगे, मेटालिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आप सी ए की रिएक्शन देख सकते हैं, सी ए प्लस H2O इज इक्वल टू CaO प्लस H2, ये चिल्ड वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं। इसलिए इन एलिमेंट्स को हम ओपनली नहीं रखते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी करते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, और ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती ही है हमेशा। तो अगर हम इनको ओपनली रख देते हैं तो क्या होगा, ये अगर वाटर इनको मिलेगा तो वाटर से रिएक्शन कर लेंगे, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे। इसलिए इनको ओपनली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं करते हैं। दीज मेटल्स आर प्लेस्ड इनसाइड द कैरोसिन ऑयल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इफ वी पुट दीज मेटल आउटसाइड दैट, सो दीज मेटल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर ऑल्सो एंड फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड। अगर हम ऐसा करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे, मेटल नहीं बचेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, मेटालिक ऑक्साइड बना लेंगे। इसलिए हम इनको हमेशा किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्वेश्चन आता है अक्सर में, व्हाई दीज मेटल्स आर इमर्ज, इमर्ज मतलब डुबोई जाती हैं, इन द कैरोसिन ऑयल, बिकॉज दीज मेटल्स आर वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव, इफ वी एक्सपोज दीज मेटल्स ओपनली इन द एटमोसफियर दीज मेटल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर ऑल्सो, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में हम देखे सब एलिमेंट ऐसे होते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। पहले यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, एक नई टर्म आती है एल्कली मेटल ऑक्साइड, एल्कली मेटल ऑक्साइड। यही क्यों आया ये वर्ड, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का जब भी कोई एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ तक नहीं रुकती है, ये रिएक्शन आगे होती है तुरंत। और जो इसका फाइनल प्रोसेस होता है, इसका तो फाइनल प्रोसेस होता है, पहले के
मतलब कोई भी फर्स्ट ग्रुप का मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, पहले ऑक्साइड बनाएगा, ये ऑक्साइड फिर से रिएक्शन करता है वाटर के साथ, उसके बाद ये बनाता है KOH प्लस, बचा कुछ सुनिए बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद जो आगे रिएक्शन होती है, ये इसके बाद जो रिएक्शन होते हैं नीचे, वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। इन मेटल्स की क्वालिटी ये होती है, मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, उनमें एक एलिमेंट सेकेंड ग्रुप का भी वैलिड है जो कैल्शियम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले फर्स्टली द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म्ड मेटालिक ऑक्साइड, देन दीज मेटालिक ऑक्साइड अगेन रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म्ड मेटालिक हाइड्रोक्साइड, फॉर्म्ड मेटालिक हाइड्रोक्साइड बिकॉज दीज मेटालिक ऑक्साइड आर कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, ये कंडीशन है, क्योंकि ये मेटलिक ऑक्साइड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप वालों की या कैल्शियम वालों की, ये सभी के सभी मेटल वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं और फॉर्म्ड करते हैं मेटलिक हाइड्रोक्साइड, इसलिए इन मेटलिक ऑक्साइड को हम बोलते हैं एल्कली मेटल ऑक्साइड। कैसे डिफाइन करेंगे, सम मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म्ड मेटल हाइड्रोक्साइड After dissolving in water, दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि when metal, when alkali metal react with water, it completely dissolve in it and form metallic hydroxide. So these metallic oxide are known as metallic hydroxide या alkali metal oxide. समझ आया? Example देख सकते हैं K2O plus H2O, 2KOH बचा, बैलेंस हुई रिएक्शन नहीं, 2K तो बाद बचेगा कुछ बाद में, इसमें H2O से नहीं, H2O बाहर निकलेगा ना इसमें, H2O बाहर निकलता है, ठीक है, H2O बाहर निकलता है इसमें भी। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल ऑक्साइड, तो ये हमने बताया एल्कली मेटल ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट टर्म थी और इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है अक्सर, ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट चिल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, दूसरी बात करते हैं हम हॉट वाटर से कौन करता है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, इसकी एक दो रिएक्शन होकर के दिखाऊँ, रफ कर दू, जैसे सी ए होता है, सी ए प्लस एच टू ओ इज इक्वल टू मिलेगा हमें सी ए ओ प्लस एच टू, ये सी ओ फिर रिएक्ट करेगा, सी ए ओ प्लस एच टू ओ इज इक्वल टू मिलेगा हमें सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, टाइम कितना हो गया, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लोज कर लेंगे, है ना। तो ये एग्जांपल हो गया इसका, और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, बस बंद रफ कर दूँ इसको मैं, ये चिल्ड वाटर के लिए था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रफ कर दूँ ये, हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करते हैं, जैसे Mg होता है, मैग्नीशियम, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, H2O नीचे लिखेंगे हॉट वाटर, क्यों लिखना पड़ता है यहाँ पर, वाटर भी लिख सकते थे क्योंकि वाटर तो चिल्ड भी हो सकता है, आइस की फॉर्म में भी हो सकता है, उसका भी तो फॉर्मूला H2O होगा, यहाँ पे हॉट वाटर इसलिए लिखेंगे ताकि कन्फर्म हो जाए, कंडीशन बता दें कि ये हॉट वाटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा इसमें, इसमें फॉर्म होगा MgO प्लस H2, ये एल्कली मेटल ऑक्साइड नहीं है, फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट एल्कली मेटल ऑक्साइड हैं, सेकंड ग्रुप में सिर्फ कैल्शियम,
ये अल्कली मेटल ऑक्साइड नहीं है. सो इट विल नॉट फॉर्म हाइड्रो मेटालिक हाइड्रोक्साइड. इट विल नॉट फॉर्म मेटालिक हाइड्रोक्साइड. ये सिर्फ क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब क्वेश्चन ये भी आता है, क्या ये बिल्कुल भी नहीं करता? तो ये करता है, अनस्टेबल मेटालिक ऑक्साइड करता है, अनस्टेबल मेटालिक ऑक्साइड करता है सिर्फ. स्टेबल मैग्नेटिक स्टेबल मेटालिक ऑक्साइड नहीं करता है प्रोड्यूस. इसका एक दो एग्जाम्पल और भी, जिंक भी होता है, जिंक भी गर्म पानी से रिएक्ट कर सकता है. और एक दो एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, ठीक है? तो जिंक भी मेटल का गर्म पानी से रिएक्ट कर लेता है, पर मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है इसका, जो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है. क्लियर आता है? तीसरे हम बात करते हैं, कुछ स्टीम से रिएक्ट करते हैं, स्टीम से. और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. उनमें से एक तो एल्यूमिनियम है, एक आयरन है, Fe, जो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं. स्टीम से कौन रिएक्ट करता है? या तो आयरन की एग्जांपल ले सकते हैं हम, या एल्यूमिनियम के रिएक्शन. सर जिंक भी उनमें से नहीं. एल्यूमिनियम यही होते हैं, ठीक है? तो मैं सिर्फ इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, आयरन का ले लेता हूँ, ठीक है? और रिएक्शन लिखते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि आप रिएक्शन कर रहे हैं स्टीम के साथ, तो H2O लिख के मत छोड़ देना, वो समझेगा वाटर लिखा हुआ है, ठीक है? इसका स्टेट लिक्विड है अभी भी, क्योंकि वाटर है. लेकिन जब भी आप आयरन के साथ रिएक्शन करेंगे, प्लस H2O, नीचे लिख देंगे स्टीम, और यहाँ लिख देंगे ये गैस है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, गैस फॉर्म में है, ठीक है? इसका ऑक्साइड बनता है Fe2O3, Fe2O3 बनता है. बैलेंस कर सकते हैं इसको, जैसे बैलेंस स्टार्टिंग में किया था, दो छः, हाँ H2 तो निकलेगा इसको पहले, वो दो थे छः, कितना हो गया छः, सिक्स, प्लस सिक्स H2 बैलेंस है. तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, वेरी वेरी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सबसे ज़्यादा पूछी जाती है रिएक्शन, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है. इससे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए स्टीम वाले वाटर को हम स्टीम वाले वाटर को हम आयरन के पोर्ट में क्यों नहीं रखते हैं? भाई रिएक्शन कर लेगा, वो क्या बना लेगा? मेटल ऑक्साइड बना लेगा. ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बताइए कि जो स्टील होता है, स्टील बेसिकली किसका एलॉय होता है? स्टील मेटल्स का, आयरन का एलॉय होता है. कभी स्टील में, स्टील टैंक में हम जो हॉट वाटर होता है या स्टीम वाला वाटर होता है उसको क्यों फिल नहीं करते हैं? तो सिंपल है, वो रिएक्शन कर लेगा उससे, इसलिए फिल नहीं करते, ठीक है? आयरन कैन रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म्ड आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है? तो दीज वार द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. बची कोई और? हाँ, एक पर्ची मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बच गई, ठीक है? उसका मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, रफ कर दिए. लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स विद नॉन मेटल. तो मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ मिलता है, तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है. आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है? हमेशा आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है? इसकी डेफिनेशन बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डीपली, इनको, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, इनकी क्वालिटी क्या क्या होती हैं, इनकी इमेज, इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे बनता है. अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझा रहा हूँ, ठीक है? जैसे सोडियम ने Cl2 के साथ रिएक्शन करी, तो क्या बनाएगा ये? 2NaCl बना देता है, ठीक है? अभी इतना काफ़ी है कि जो मेटल होता है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आयनिक कंपाउंड बनाता है,
इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, मेटालिक सोल्ट बनाता है, मेटालिक सोल्ट। इस मेटालिक सोल्ट को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब आयनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टी और उनके बारे में जो भी क्वालिटी हैं जो एग्जाम में आती है उस रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टुडे वी आर क्लोजिंग इट, सो थैंक यू।